दसवाध्याय में विभूति योग वी आर गोइंग फार स्लोअर देन आई थॉट वी वुड. ऐसे तो दसवाध्याय में विभूति योग में फॉर द मोस्ट पार्ट एग्जाम्पल्स अलग अलग प्रकार के दिए भगवान ने. प्रश्न पूछा था, याद रहे अर्जुन ने पूछा था कि तुमको मैं देखू कैसे, मैं मानता तो हूँ तुम्हारी बात, पर हाउ शुड आई डेवलप दैट आई साइट, हाउ शुड आई डेवलप दैट फ्रेमिंग, दैट लेंस सीइंग थ्रू विच मैं आपको देख पाऊंगा. जिधर भी देखू, उधर झाड़ में, पत्ते में, घास फूस में, आसमान में, चंद्रमा में, सूर्य में, मेरे में, तेरे में, खंभे में, आज प्रहलाद का वर्णन आएगा, खंभे में भी जिधर देखू उधर तू है. एक भाव में कैसे लाऊं, परसीव योर प्रेजेंस, आई बिलीव यू माई लॉर्ड, दैट समथिंग हैज टू बी देयर, सम कॉमन थ्रेड हैज टू बी देयर इन एवरीथिंग. तो एक भावना प्रधान व्यक्ति होते हैं अथवा बुद्धि प्रधान होते हैं. भावना प्रधान व्यक्ति भक्ति के मार्ग पे जाते हैं, बुद्धि प्रधान व्यक्ति ज्ञान मार्ग पे जाते हैं, कर्म प्रधान व्यक्ति के लिए भगवान ने योग का मार्ग बताया, कर्म योग का. कुछ किए बिना नहीं रहा जाता, करना करना पड़ता है. ऐसे कैसे बैठे रहे, ये अपने से नहीं होता, it doesn't make sense just sitting around, I have to do something. तो then do, कोई मुसीबत नहीं. इस भगवत गीता में, कृष्ण के मार्ग में, हमारे सनातन धर्म में किसी मार्ग को बुरा नहीं कहा, सब मार्ग को अच्छा कहा, as long as we're smart about it, as long as we don't lose the focus. आसानी से कहा, any path will take you there, as long as you don't lose your destination, as long as you keep your destiny in mind. Take your pick, pick your path, stay with it, suit yourself, जो natural हो हमारे लिए. तो ऐसा आग्रह नहीं है कि सब लोग वो भक्ति ही करे, पूजा ही करे, अर्चना ही करे, वंदना ही करे, आरती ही करे, नैवेद्य करे, ऐसा आग्रह नहीं है. ऐसा भी आग्रह नहीं है कि जो समझे ना समझे, लेकिन कुछ बहुत पढ़ते रहे और कुछ भी करके, कैसा भी करके ज्ञान प्राप्त करे, समझ में आए, लेकिन नहीं समझ रहा है ऐसा, तो फिर नहीं होगा. ऐसा भी नहीं है, ये भी नहीं है कि करते रहे सेवा करे, दान करे, ऐसा भी नहीं है. अपने को जो सहज में उपलब्ध है, जो नेचुरल है, अपने प्रकृति के अनुसार, अपनी यात्रा के अनुसार, जो हमें सहज में उपलब्ध है, जहाँ पर अभी हम हैं, जिस शरीर में हम है, हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है, इस सारा, दिस इज ए रिजल्टेंट, this is the result of a system at play. We have worked this system, we have been working at this system, and this has led us there. You know, physics mein, high school physics yaad hoga, resultant force hota hai. Koi agar khali upar khiche, niche kuch vajan hai, usko upar hi khiche to upar jayega, lekin us vajan ko khali idhar seedha hi khiche, upar nahi khiche, khali idhar ki aur khiche to idhar jayega, idhar ki aur khiche to upar jayega. लेकिन उस वजन को दो लोग दोनों दिशा में अगर खींचे, एक पहलवान ऊपर खींच रहा है, एक पहलवान इधर दाहिनी ओर खींच रहा है, तो वो वजन ना ऊपर जाएगा ना दाहिनी ओर जाएगा. क्यों, ऐसे कैसे, वो रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर होगा उसका, वो दोनों में जो दोनों का जो प्लस माइनस होके बल जिसका होगा उसके अनुसार वो टेढ़ा जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर. ऐसे ही हमारे जीवन यात्रा में 84 लाख की हमने इतने सिस्टम में जो भी प्राप्त किया, जो भी अच्छा लगा, जिस मार्ग पे चले, जो भी संचय किया, जिसके विषय में कुतूहल था, इंट्रीग था, wherever we put our consciousness, our consciousness is akin to God, the consciousness that's in us right now, in fact we are that, right? Eventually the goal of the Gita is to take us to a place, जो we will be able to identify, जैसे मैंने ध्यान में कहा, बोध को प्राप्त कर जो था, इस शरीर के साथ disidentify, शरीर के साथ misidentify हो गया, गलती हो गई, उसको अभी disidentify करके आत्मा के साथ, consciousness के साथ re-identify करना है इस यात्रा में. तो we are a portion of God, we are Godness, Godliness, everyone, all of us, everything, कम ज्यादा मात्रा में. Proportionately different, quantitatively different, but qualitatively identical. तो वो तो जिधर भी जाए वो चमक जाए, उस पता चले. तो
जो जो यात्रा में हमने जहां जा कभी ऊपर खींचा, कभी इधर खींचा, कभी इधर खींचा, कभी उधर करके, विद एवरी नेक्स्ट स्टेप इन एवरी नेक्स्ट लाइफ टाइम वी आर ब्रॉट टू अ प्लेस विच इज ए सम टोटल नेट रिजल्ट इफेक्ट ऑफ ऑल हमारे सारे जो पहले के जन्मों की जो यात्रा का प्रयास जो था. तो अभी अगर हम इधर में आए हैं, इस शरीर में है, इस देश में है, इस स्थिति में है, इन लोगों के साथ है, तो कभी विद्रोह ना करे, घृणा ना करे, अपने आप को कोसे नहीं, अपने आप को कम ना माने. हमें अगर भगवान है, हमें अगर ईश्वर है, हमें अगर कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, तो घृणा के पात्र नहीं है हम. अगर हम घृणा के पात्र नहीं, कोई दूसरा भी घृणा के पात्र नहीं है, क्योंकि उनमें भी वही है जो हमारे में है. और दूसरों की तो बाद में सोचेंगे, पहले अपनी पक्की कर ले. तो वी हैव ब्रॉट आवरसेल्व्स हियर विद अ पर्पस इन माइंड एंड दैट पर्पस इज टू रीच आवर डेस्टिनेशन. तो किसी के लिए कोई मार्ग सुलभ है, किसी के लिए कोई मार्ग सुलभ है. किसी का मार्ग गलत और बुरा नहीं है. तो अपना मार्ग जहां पर है उधर से चल सकते हैं. और भगवद गीता की महत्ता यही है कि इतने सारे मार्ग निकलते इससे अलग अलग, सबके लिए सुलभ, सबके लिए संभव है. इधर कोई हट नहीं है, जिद आग्रह नहीं, ऐसा ही कर वैसा कर. बताया तो है कौन से और सुलभ मार्ग और आसानी, स्लोपिंग डाउनवर्ड कौन सा मार्ग है. फ्यूल कम हो तो इफ यू पिक अ पाथ दैट स्लोपिंग, देन यू मे बी एबल टू पुट इट इन न्यूट्रल गियर, मे बी यू मे टर्न ऑफ, यू कैन स्टिल स्लाइड. इफ यू वॉन्ट एडवेंचरस पाथ देन टेक दिस पाथ. ऐसे अलग अलग मार्ग तो बताए हुए हैं, रिकमेंडेड पाथ्स भी है, लेकिन आग्रह नहीं है. सीधा बताया कि भगवद गीता विल कम टू अस, हमारे पास आती जहां पर भी हम हो. तो हमें पुरुषार्थ, शायन पना, अच्छा गुड, हमें अपने विजडम, वी हैव टू बी स्मार्ट अबाउट दिस दैट वी हैव टू स्टे पुट वेयर वी आर, कीप एन ओपन माइंड एंड लेट द गीता डू इट्स वर्क एंड कमिट टू इट जितना अपने से बन पाए, जितना बन पाए, लेकिन कमिटेड, स्टेडली कमिटेड. तो इसी स्पिरिट में ये विभूति बताइए कि देखो इसमें बताया, तो मैं पक्षियों में भी हूँ, समुद्र में भी हूँ, मगर में भी हूँ, गरुड़ में भी हूँ, इधर भी हूँ, उधर भी हूँ, ऐसा कुछ है नहीं. आखिरी में मैंने कहा ना, कई बार कहा, शुरू में क्या कहा विभूति हो के भगवान ने, कि क्या बताओ तेरे को अभी, हंत ते कथयिष्यामि, कि दिव्यायात्म विभूतया प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ. प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो चमक दिखेगी वो दिख पता था तेरे को, लेकिन नास्ति अंतोमी अंतोस्मी, के अंत नहीं है मेरे विभूतियों को. और ये जब अध्याय खत्म होगा तो आखिरी श्लोक में भी वही कहेंगे कि वेर एवर यू सी, वेर जहां भी तू नजर डालेगा मेरे सिवा कुछ नहीं है. यू जस्ट हैव टू डेवलप दैट आई साइट. और जिसको वो आई साइट डेवलप, जिसको वो दृष्टि मिल गई, उस पकड़ आ गई, पकड़ में आ गया, जिसको समझ में गया कि कैसे, उसका काम हो गया, पूरा यात्रा खत्म हो गई. फिर सुख से विचर, आनंद कर, स्वच्छंद हो, सुख से विचर. उसके बाद में उसका रिजल्ट यही होता है, वो दृष्टि जब प्राप्त हो जाती है, वही व्यक्ति सामने होते, वही परिस्थिति है, लेकिन एकदम आनंद से भरा दिखता है, एकदम प्रेम उत्पन्न होता है उस जगह पे, एकदम पॉजिटिव अनुभव में आता है सब कुछ, सब परिस्थितियों में, क्योंकि एकदम मुक्ति का अनुभव होता है, बंधन का अनुभव नहीं होता, निर्भयता का अनुभव होता है, भय भय नहीं, फुल्ली सिक्योर इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, इनसिक्योरिटी नहीं लगती कर. इसलिए इट्स एवरी बिट वर्थ इट, दिस इज द ओनली थिंग वर्थ इट. व्हाई? बिकॉज हम अदरवाइज जो भी प्रयास कर रहे हैं, चैलेंज जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जिसके साथ भी संबंध हम जता रहे हैं, जिसको भी हम पटा रहे हैं, जो भी बचा के रख रहे हैं, जो भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी इकट्ठा करके रख रहे हैं, जो इसकी भी रक्षा करे, वो सब इसी के लिए कर रहे हैं कि आगे चल के सिक्योर हो, डर न लगे, कम न हो जाए, निकल न जाए, मर न जाए, सड़ न जाए, और कोई कुछ भी कहे तो अपना सब ठीक रहे. तो लेकिन वो चीज वस्तुओं से जमा करके वो प्रयास करते करते थक जाएंगे, मर जाएंगे, और फिर भी वो परिस्थिति नहीं बदलेगी, क्योंकि वो पर स्थिति है. शब्दों की अगर ध्यान दे तो पर दूसरों उधर वाली है, मेरे कंट्रोल में नहीं है. जो मेरे कंट्रोल में नहीं है वो कभी मेरे कंट्रोल में नहीं आएगी. थोड़ी देर के लिए मैं अट्टहास करके जबरदस्ती पकड़ के तो रख सकता, लेकिन वो परिस्थिति है ना? तो लेकिन जो अपनी स्थिति है, स्वस्थ जो है, वो कभी दूसरे के कंट्रोल में नहीं होती, अगर हम अपने कंट्रोल को याद करें तो.
तो इसके लिए भगवान इतने इतने अलग अलग उदाहरण करके, तो हम लोग 10वें अध्याय में थे, एक दो श्लोक भी कहेंगे इस लाइक वी ऑलवेज से। 28वां श्लोक आज चला है, पिछली बार हमने 27 तक किया था, वो समुद्र मंथन की कथा बताई थी, उसमें से वो यूनिकॉर्न निकला था, हाउ वंडरफुल, उच्चैःश्रवा घोड़ा, वो मिथिकल फेबल यूनिकॉर्न। इधर तो सीधा है उसका उल्लेख था, ऐरावत नाम का हाथी निकला था। अलग अलग बातें जो इस और भी जो हमने पीपल के वृक्ष की महत्व सुनी थी, अश्वत्थ वृक्ष, नारद मुनि की चरित्र सुना था पिछली बार, गंधर्वों के विषय में, अलग अलग जो योनिया है, द वेरियस लाइफ फॉर्म्स, 14 भुवनों में 14 प्रकार की लाइफ फॉर्म्स है, देयर इज लाइफ आउटसाइड ऑफ अर्थ ऑल्सो। सो वी टच्ड ऑन एंड डिस्कस सम ऑफ दोज, जो भगवद गीता के कॉन्टेक्स्ट में आता है, जो अप्सरा, गंधर्व, पितर, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अलग अलग प्रकार के, उसका उल्लेख आया था। सिद्धों के विषय में, सिद्धों में जो सर्वश्रेष्ठ कपिल मुनि, उनका जो सांख्य योग वी टॉक्ट अबाउट, उसके पहले भृगु ऋषि की कथा सुनी थी, जिसने ऐसी धमक विष्णु की छाती पर लात मार दी थी, उसके पहले वाले सत्र में किया था, ये सब हो गया था। तो अभी हम चलते आगे, धीरे धीरे चल रही है। आई थॉट वी वुड जस्ट क्रूज राइट थ्रू दिस, मे बी विल ट्राई टू पिक अप सम स्पेस टुडे, लेकिन आई डोंट नो व्हाई वी आर स्लोइंग डाउन, क्योंकि इसमें कथा आ गई है, एक एक के साथ कथा जुड़ गई, सो वी माइट ट्राई टू डू, कथा थोड़ी कम करे तो थोड़ा फास्टर जा सके। तो इसमें क्या आता है, मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हो, और सर्पों में सर्पराज वासुकी हो, आयुधानाम अहम वज्रम, धेनुनाम अस्मि कामधुक, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, सर्पाणाम अस्मि वासुकी। नागों में मैं शेष नाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूं, ये मैं हिंदी में पढ़ के सुना रहा हूँ, और पितरों में आर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो वाद यादसामहम, पितृणाम आर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम। सो ये दो श्लोक वी विल डीकोड दीस फर्स्ट एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। देखिए, आयुधानाम अहम वज्रम, आयुध युद्ध वार, युद्ध कहते हैं ना, तो ध धावना, जैसे मराठी में कहते हैं स्पर्धावाचक है, कंपेटिटिव है, ध से जो सोर्स है वो युद्ध में वही होता है, कंपेटिटिव होता है, बड़ी जो बली होगा वो कौन पकड़ेगा, माय डियर। तो युद्ध और आयुध, जिसको लेकर के, जिसके साथ युद्ध किया जाता है, शस्त्र आयुधानाम वज्रम कहते हैं, द वेपन्स, आई एम वज्र। ये उस समय की बात है, अभी तो कोई कैनन बॉल हो, F-16 हो, मिसाइल हो, जो भी, उस समय की बात है। जिन्होंने एक बार कहा था, ये इसमें खोट ना देखे कि ये तो भगवान भगतड़ा था, इसको तो पता ही नहीं था ये कैसे भगवान हो सकता है। अरे वज्र से तो अभी तो मिसाइल बना दिए, एग्जैक्ट ट्रेस होते हैं, हीट सेंसिंग मिसाइल्स है, वो सद्दाम हुसैन के घर में जाकर के ऐसे बराबर एग्जैक्टली जाकर के उसको उठाया उड़ाया, तो वज्र गिर क्या, ऐसे ऐसी बात ना करे, समझ ले थोड़े शांत होकर के ना, भगवान जिस समय में आते उस समय उसके अनुसार बात करते हैं। ये तो ऐसा पगला भगवान नहीं है कि आया तो द्वापर युग में और इतनी फ्यूचरिस्टिक बातें करेगी कि किसी को समझ ही नहीं है क्या कह रहा है ना। मैंने कहा था, यह अध्याय जब शुरू हुआ था उस समय याद रखना कि भगवान कहते हैं कि जो श्लोक था, फिर से नहीं रिपीट करेंगे, फिर से समय हो जाएगा, इसलिए नहीं ऐसे उदाहरण दे रहे कि उसके पास वो जो कहते कि मैं कैसे बताऊं तेरे को कौन से उदाहरण दूं, ऐसा इसलिए नहीं कहा कि उसको बस समझा नहीं सकता, उदाहरण कम है, और मुसीबत ये कि हम समझ नहीं सकते, है ना। तो उस समय वज्र इंद्र का शस्त्र था, इंद्र दिस इज द किंग ऑफ गॉड, और वज्र वॉज मेड ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डर देन डायमंड, स्टिल अनब्रेकेबल,
वज्र बनाता है उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग रोमांचकारी कथा है। तो मैं अभी संक्षिप्त में कहता हूँ इस बार, अभी लंबी कथा ही नहीं कहता, पिछली 2 बार की वजह से समय हो जाता है तो, और तुम लोग रोकते भी नहीं हो, तो सब वीडियो भी बंद कर देते, ऑडियो मैंने बंद कर दिया, तो फिर गाड़ी चलती जाएगी। वज्र जिससे बना था वो हड्डियां दधीची ऋषि, दधीची नाम के ऋषि थे, उनकी हड्डियों से बना था वो, महा तपस्या अति उग्र तपस्या करके वो, उनके उन्होंने जिस कारण से तपस्या करी थी, जैसे वरदान प्राप्त किए थे भगवान से, उनके कारण वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ इट वाज कि उनके जो अस्थि पंजर थे स्केलेटन, वो परमानेंटली हार्ड बन गया था, उससे हार्ड कुछ हो नहीं सकता था, ऐसा एक पार्ट ऑफ हिज बोन वाज दैट। वो जब बलि राजा के साथ, बलि राजा जब दैत्यों का राजा बन गया था, राजा था दैत्यों का, उसके गुरु शुक्राचार्य थे, देवों के गुरु जो बृहस्पति थे, ये हमने पिछले बार कहा था, जो महामृत्युंजय मंत्र होता है, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम वाला, वी टॉक्ट अबाउट हाउ दैट कम्स फ्रॉम द संजीवनी मंत्र, इट्स अ स्मॉल थ्रेड ऑफ द एंटायर संजीवनी मंत्र, लाइफ गिविंग मंत्र का छोटा टुकड़ा बचा हुआ कलयुग में, वो महामृत्युंजय मंत्र, वो शुक्राचार्य के पास होता था, बृहस्पति को पता था, लेकिन वो अब्यूज नहीं करना चाहते थे, इसलिए देवता लोग दे यूज टू लूज द वॉर, इनका गुरु उनको जिता देता था, इनका गुरु नहीं करता था, ये सब के कारण दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उनका शिष्य बलि राजा प्रभावशाली हो गया, उसने वो धावा बोल दिया स्वर्ग पर भी, पृथ्वी को जीत लिया, स्वर्ग पर भी धावा बोल दिया। तो अभी क्या करे, तो इसलिए फिर इंद्र ने जो प्रार्थना करी थी देवों के पास जाकर के, देव मतलब ब्रह्मदेव, एक्सक्यूज मी, नॉट द डेमी गॉड्स, तो उन्होंने कहा, नारायण के पास गए, उन्होंने कहा एक एक पदार्थ है अभी जिसका तोड़ उनके पास भी नहीं है, जिससे तो अगर वेपन बनाएगा, ये दधीची नाम का ऋषि जो तपस्या कर रहा है, उसके वजह से भी तपस्या का समय हो गया अभी, तो ऐसे ही अभी शरीर छोड़ देगा, इसको पता भी नहीं चलेगा, उससे तो ऐसा कर, उस समय जो वहां पर जाकर के उससे प्रार्थना कर, विनम्र होकर मांग, कारण बता किस लिए ऐसा, और कहना कि तेरा स्केलेटन मेरे नाम से कर दे। तो ऑर्गन डोनेशन उधर तब भी होता था कि तो अभी तुम्हारा जाने का समय हो गया था, लेकिन कैन यू प्लीज मेक मी द राइटफुल ओनर ऑफ योर स्केलेटन। तो गए और दधीची को लगा बड़ी स्ट्रेंज, ये क्या मांग रहा है, देवराज इंद्र भी आया तो ठीक है, क्या क्या फर्क पड़ता है उसको, और उसकी उसकी अस्थि पंजर लेके आया, उससे वो बनाया उसका शास्त्र, गदा नहीं थी वो, ऐसा बटान जैसा था वज्र, उसको वज्र कहते, दधीची की हड्डियों से बना हुआ, तो इसलिए कहा आयुधानाम अहम वज्रम। उस समय अगर कहते थे कि अरे मैं वो F-16 नाम का ऐसा वैसा, तो वो लगे सटिया गया, इसलिए यथा योग्य, जिस समय के लिए योग्य, अभी अभी अगर आएगा वो तो फिर ऐसी बात नहीं करेगा कि मैं वज्र हूँ ये हूँ, इधर अपनी भाषा में बात करेगा। अगला जो अवतार है, मैंने बताया था भागवत में अवतार है ना, 8, 9, 10 अवतार, 10 अवतार की कथा है, दशावतार, 8वां अवतार कृष्ण था, उसके पहला 7वां अवतार राम था, अभी जो 9वां अवतार हुआ बुद्ध हो गया, ये तो भगवान का अवतार है बुद्ध, बुद्ध दूसरे के नहीं है, बुद्ध धर्म दूसरे का नहीं है, बुद्ध बुद्ध की और बुद्ध धर्म की कभी निंदा ना करे, वो उतने ही वंदनीय है जितने कृष्ण है राम है, वो वही है, शांति प्रिय थे, तो कोई बुराई नहीं, बुद्ध भगवान करके संबोधित करे और नतमस्तक हो जाए, प्रणाम करे बुद्ध भगवान को, वो 9वां अवतार हो गया। अभी 10वां अवतार आएगा तो कल की अवतार है, भागवत में वर्णन आता है, मशीन मैन, गेट दिस, गेट अ लोड ऑफ दिस, मशीन मैन वर्णन जो है, मशीन मैन मतलब क्या है, सुपर रोबोट, व्हाट गेस, गो फिगर दैट, ये 5000 साल पहले वाला लिखा गया, उसमें कल्कि अवतार आयरन मैन, लिटरली अगर उसको ट्रांसलेट करे तो आयरन मैन का, तो मैन का तो कैरेक्टर भी है एसेंशियली, मशीन यंत्र मानव जैसा होगा, पर वो वैसे ही नाश करेगा, तो सम सुपर रोबोट इज गोइंग विल कम एंड टेक कंट्रोल ऑफ द मिस्क्रिएंट्स, so he will come in that form, तो शायद वो फिर कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करेगा, उस समय की गीता ऐसे नहीं आएगी संस्कृत में, ये भी कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, सभी प्रोग्रामर्स कहते हैं, कंप्यूटर जीनियसेस कहते हैं कि ये तो बिल्कुल, इससे तो
एकदम मिलते जुलते कंप्यूटर लैंग्वेज से, इसका जो सिंटैक्स है, इसका जो व्याकरण है, इसका जो स्कीमा है। तो इसलिए अपना ओपन माइंड रखे, एकदम फटाक से जाकर के निष्कर्ष न निकाले ऐसा होगा वैसा होगा, ब्रॉडन करे तो फिर बुद्धि में प्रकाश आने की संभावना होती है। अगर ह्यूमिलिटी हो, विनम्र हम्बल बने हम, तो नहीं तो फिर उसको की जरूरत नहीं, वो तो निकल जाएगा आगे, हम ऐसे ही रीते रह जाएंगे, गधे रह जाएंगे। तो उधर जब आएगा तो आई हैव नो डाउट तो उधर वो वाली लैंग्वेज बोलेगा और वैसे वेपन्स के विषय में बात करेगा। तो आयुधानाम अहम वज्रम धेनु नाम अस्मि काम दुख, धेनु तो गाय गैया, काम दुख है कामना पूर्ण करने वाली, एट विल द काउ हु कैन गिव मिल्क एट विल, विश फुलफिलिंग जैसे कहते हैं, वैसे ही गाय का स्वभाव होता है कि उसकी, जैसे पेड़ पौधों के विषय में कहा था पिछली बार मैंने भागवत के 10वें स्कंद में, रिमेम्बर भगवत गीता एंड भागवत आर टू कंप्लीटली सेपरेट स्क्रिप्चर्स। तो मैं आई गो बैक एंड फॉर, भागवत के 10वें स्कंद के में उसमें उद्धव से बात करते हैं भगवान कृष्ण, इधर कृष्ण अर्जुन से बात करते हैं। तो उसने उद्धव से कहा था कि पेड़ देख, उद्धव से नहीं कहता, उद्धव गीता में आता है, अपने दूसरे सखों से कहा था, अपने दूसरे मित्रों से कहा था, लुक एट दीज ट्रीज कितने गिविंग है, द गिविंग ट्रीज ना। सो यू कैन हियर द लास्ट वन, लाइक आई एलैबोरेटली डिस्क्राइब द यूटिलिटी ऑफ द ट्रीज ऑल द वे टू, उसके ऐश भी होने के बाद कैसे काम में आता, कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्री इज द कॉमन थ्रेड इज गिव गिव एंड गिव। ऐसे ही गाय के लिए भी कहा है हमारे शास्त्र में, एवरीथिंग ऑफ द गाय, उसकी हड्डी उसके बाल तक है, हमारे शास्त्र में गाय के शरीर के रोमों में सूर्य प्रकाश अलग प्रकार से ग्रहण करती है, जिसके कारण वो दूध नरिशिंग होता है, गाय का दूध ज्यादा प्रोसेसिंग, और उसमें सोने का कण पाया जाता है। देर आर न्यूमरेबल गौमूत्र के विषय में, काउज यूरिन, काउ डंग, आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू एक्चुअली पिक काउ डंग इंडिया में, अपने हाथों से बाल्टी भर के ला देते हैं भर भर के, और मेरी अपनी माँ वहां पानी डाल के वो लेप लगाती थी, तो आठ आठ दस दस दिन एंटीसेप्टिक, ऐसा का वैसा फ्लोरिंग नहीं था तो वैसा का वैसा रहता था स्वच्छ, उस पर से झाड़ू लगा दिया तो हो गया। तो यहाँ पर भी ओपन माइंडेड रहने की जगह, और फिर उसके वो गौरी है उसके, उसको जला के पानी गर्म करते थे, गैस नहीं था तो नहाने के लिए, तो ऑल काइंड ऑफ दूध, दूध से दही, दही से चाट, चाट से मक्खन, मक्खन से घी, और घी के कितने कितने उपयोग, दूध के कितने कितने व्यंजन, दही का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन। सो इट्स जस्ट लाइक इट्स एन एंडलेस गिविंग चेन, फुलफिलिंग ऑल काइंड ऑफ विशेस, जितना जरूरी है अपने सस्टेनेंस के लिए। इसलिए कहा उस गाय को, ऊपर से हम लोग गाय को खाते नहीं है, किसी प्राणी को नहीं खाते, विशेष गाय को खाते तो नहीं है, हमारे लिए पूजनीय है। जो भी गिविंग है हिंदू शास्त्र में, जो भी गिविंग है वो पूजनीय है, जो ज्यादा गिविंग है उतना ज्यादा पूजनीय है। इसलिए मातृ का स्थान सबसे पहले, मातृदेवो भव, पितृ से पहले मातृ का स्थान है हमारे शास्त्र में, आचार्य से पहले मातृ का स्थान है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव फिर आचार्य देवो भव, क्योंकि माँ जितनी देती उतना कोई नहीं देता, दे नहीं सकता, वो चॉइस ही नहीं उसको बिना देने, कंसेप्शन से देना 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 मर्त्यदम तक, और शरीर से दे नहीं तो मन से दे, नहीं तो अपने विश से दे, नहीं तो अपने प्रयत्न से दे 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 दे। तो ऐसे ही गौ को माता कहा, पृथ्वी को माता कहा, क्योंकि वो देती ही जाती है, गाय गीता गंगा इस जो सारी है, और गौ माता भगवत गीता देती ही जाती है, कुछ लेती नहीं है, जो भी उसके पास जाए, जिधर से भी जाए, जैसा भी जाए, बुरे इरादे से अगर जाए कोई, मैंने कहा था ना ऑडिट करने के इरादे से भी, जिज्ञासु की भावना से भी जाए, मैंने पिछले दो सत्र पहले जो ध्यान में बताया था, पारस मणि को पारखने के लिए अगर कोई जाए, डिसप्रूव करने के लिए जाए, तो वो खुद भी सोना बन जाए, तो इट विल नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन किस उद्देश्य से आया, भलाई हो जाए। गांधी जी कहते अपनी कथा,
गांधी जी विल टेल यू द ट्रूथ दैट ही वाज एन ऑर्डिनरी मैन जस्ट द ट्रूथ बी टोल्ड उनके यंग एज में ऑर्डिनरी में ऑर्डिनरी जैसे जैसे गीता के पास गए वैसे वैसे उनका एकदम पर्सपेक्टिव चेंज होने लग गया, सामर्थ्य बढ़ती गया। इतने वीक आदमी एकदम शरीर यष्टि से ब्रिटिश एम्पायर को नेस्त नाबूद कर धूल चखा दी, कहां से आया दम इतना सामर्थ्य, नहीं कर पाए। कितने उनके पास वेपन्स थे, कितनी क्या नहीं था ब्रिटिशों के पास, इसके पास क्या था, लेकिन इसके पास जो सामर्थ्य आया, दम जो आया, निर्भयता जो आई, वो गीता से आई। वो खुद अपने उनके अपने ही शब्दों में अगर पढ़े तो ईमानदारी से। सो गीता, गंगा और गौ माता ये देने वाली है, इसलिए वह पूजनीय। तो हमारे धर्म में जो भी देता है उसकी पूजा की जाती है, पूजनीय। हमारे धर्म में यह विश्वास है कि सब देते हैं कुछ न कुछ, इसलिए सब पूजनीय है। हमें पता चले ना चले क्या मिल रहा है इनसे, हमको दिखाई दे ना दे, समझे ना समझे, उनको भी ना पता चले, लेकिन हमारा बड़ा टेक्निकल साइंटिफिक है ये, दैट दिस होल क्रिएशन द कॉस्मोस इज ए सिस्टम, इट्स नॉट एन इवेंट, इट्स नॉट अ बिग बैंग और बस हो गया, इट्स ए सिस्टम। और सिस्टम में क्या था, आदान प्रदान चलता है, इट्स ए लिविंग ब्रीदिंग सिस्टम। अ सिस्टम इन एन इंजीनियरिंग सेंस हैज एन इनपुट, हैज एन आउटपुट, and in between has a throughput, has processing. There are various components that work with each other, each in its own place, each has its own function. Aur jo wo barabar kare to fir dusra barabar, each dependent on each other also, each supporting each other. So our belief is this super scientific belief that this is a system that I am a part of. Ye baat itni bhi baat aaj ke satra se agar pakki ho gayi तो बहुत यात्रा हो गई, इस जन्म की यात्रा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम को यज्ञ कहा हमारे शास्त्रों में। If you go 7 chapters back, if you go several chapters back, तीसरे अध्याय में जो कर्म योग आया था उसमें यज्ञ की बात आती थी। यज्ञ आयात कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ के लिए कर्म कर। उसमें प्रमुख भावना ये थी कि केयर फॉर द सिस्टम, नर्चर द सिस्टम, do what you do for the system, you, तुम भी सिस्टम के पार्ट हो। जिससे सिस्टम स्ट्रेंथन होगी उससे तुम भी स्ट्रेंथन होगे। अगर तू अपनी ही सिस्टम को वीकन करेगा तो देर सवेर तू भी कट जाएगा। सिस्टम फंक्शन नहीं होगी तो तू भी ज्यादा देर फंक्शन नहीं कर पाएगा। किसी बाइसिकल को खाली एक नट, एक स्क्रू या एक बोल्ट, अपनी खाली माने अपने को ही तेल डिला है, बाकी सबको नहीं, तो कितनी देर बाइसाइकिल चलेगी। बाइसाइकिल के साथ ये स्क्रू को भी फेंका जाएगा। लोहा पुराना, जुना पुराना लोहा, लोकड़, प्लास्टिक की चप्पल, जूते वाले को अठन्नी में बेच देंगे सारी की सारी साइकिल, तो उसमें वो स्क्रू भी चला जाएगा। लेकिन वो अपने साथ अपने बाजू वाले का भी तेल देगा। वो साइकिल जब तक चलती रहेगी, सबके सब साबुत रहेगा, वो भी साबुत रहेगा। ये यज्ञ, इसको यज्ञ कहते हैं हमारी परिभाषा में। So remember that it's a very, very fundamental concept in the Gita, in Karma Yoga. That is Karma Yoga. Care for the system. You are a part of the system. Be aligned with the system. Sarva dharman parityajya mam eka sharanam raja. Kai baar maine kahi is baat ko. Sharanam raja kahte hai bhagwan ne kabhi nahi kaha. Ghutne tek. Chal. Kaan pakad. Uttak baitak laga. Maafi mang. Naak rakad. Kabhi nahi. Wo to uske ulta hi to. खुद कान पकड़ने को तैयार है, भक्तों को नहीं। संत मेरे मुकुटमणि में संतन को दास, भक्त को मैं हृदय में रखता हूं कहते, सिर पे बिठाता, मेरे बच्चे है, मेरे प्रेशियस सोल्स है। तो लेकिन उसका मतलब अलाइन विद द क्रिएशन, अलाइन विद द सिस्टम, सिस्टम के भलाई में सबकी भलाई, तेरी भी भलाई है। ऐसा नहीं कि अपनी भलाई ना करे, लेकिन खाली अपनी भलाई ना करे, सबका ख्याल रखे। मैं स्वार्थी अगर बनू, अपना ही अपना ओढ़ करूं, तो थोड़ा इतना ध्यान कि एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, एट द कॉस्ट ऑफ होम, दूसरे के ऊपर क्या बीत रही है, क्योंकि मैं इतना इकट्ठा कर रहा हूं। मैंने पिछली बार एक इंडिया का मराठी हुआ था, उसमें एक उदाहरण दिया था कि हम भाव करते इंडिया में जाकर के, नफा तो लगे, अरे 100 रुपए का बोल दिया तो 50 से शुरुआत करे,
नहीं तो 40 से शुरुआत करे, 50 तक एंड करे, तो और फिर फर्स्ट क्लास लगे गया अपने को, भाव अच्छा भाव मिल गया, गुड बार्गेन। अच्छा ठीक है, तुमको पता है उसके बाद की स्टोरी? ओ, अगर उसको 100 की जगह पे सचमुच में 100 मिल जाता था आज के दिन, फिर से कोई भाव करने वाली स्त्री नहीं थी, 100 बोला तो 100 दे दिया था, 100 के ऊपर और 10 ले बेटा। तो उसकी बेटी के लिए दवाई चाहिए थी, उसके इसका बेटा स्कूल से निकाल दिया था, ट्यूशन नहीं भरी थी, उसके पत्नी के तन पर रखने वो रखने वाली साड़ी फट गई थी, उसके बूढ़ी माँ के कमरे में पानी गिर रहा था झोपड़ी में, वो होपिंग थी कि आज 100 के 100 मिल जाए तो मैं तो अपने बेटी के लिए दवा ले जाऊँ, बेटे के 10 रुपए की ट्यूशन भर दूँ, अपने पत्नी के लिए थोड़ा सा तन ढकने के लिए कुछ ले जाओ, माँ के गुरु पर कवेलू रख दो। तो नहीं चलो ठीक है, 40 का माल 40 में बेच दिया, कम से कम भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा, लेकिन भैया अपने 100 की जगह 40 होके कुछ नहीं इतना हुआ, 60 तो मैंने जमा कर लिया, लेकिन कुछ पता भी नहीं कहाँ गए 60, उससे क्या होगा, तो मैं खाली अपना सोच रहा हूँ, सिस्टम का नहीं सोच रहा हूँ, फिर धर्म का नहीं, ये धर्म के लेकर के नहीं, यज्ञ कर्म नहीं हुआ, खाली कर्म हुआ, खाली भोग हुआ उसका, उसका रोग में परिणाम होगा, उसका परिणाम दुख में होगा अंत में। तो इसलिए मैं इस पर ड्वेल कर रहा हूं, पे अटेंशन टू द सिस्टम अराउंड यू, इट्स एन इकोसिस्टम, इट्स अ फ्रेजल सिस्टम, बड़ी नाजुक सिस्टम है, आयरॉनिक है, बड़ी मिरेकुलस चमत्कारिक सिस्टम है भगवान ने बनाई, क्यों चमत्कारिक, एकदम ही नाजुक है लेकिन एकदम ही पक्की है, the tenderest of the tender, the most fragile and the most robust at the same time, कि अपने दृष्टि से देखे तो फ्रैजल है लेकिन उसका अनाथ नहीं है, सनाथ है, उसका रखवाला है जो उसको संभालेगा सिस्टम को, मैं नहीं करूंगा तो उसका नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो आएगा, किसी का बाप की ताकत नहीं उसके सिस्टम को तोड़ सके, हमारी भलाई इसमें है अगर हम उसको सहमत हो, उसके साथ अलाइन हो, शरण हो, उसके उसका साथ निभाए अपने ही भलाई के लिए, उसको जरूरत नहीं है, न मे पार्थास्तु कर्तव्यम त्रिशिलोकेषु कंचन, न मे वाप्तव्यम अवाप्तव्यम, भगवान कहते मेरे को जरूरत नहीं बाप, बेटा तू नहीं करेगा तो मेरा नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है ना। सो क्योंकि हु इज द एंटायर सिस्टम, एक लहर जो चल रही है वो अपनी ज्यादा गुमान में आ जाए, अहंकार में आ जाए, वो अड़ के बैठ जाए, सुनामी बन जाए, 40 फुट की बन जाए, तो क्या समुद्र को रोक पाएगी मौसी, 40 फुट की बने, 50 फुट की बने, ऐसे कितने सुनामी आके चले गए समुद्र, तो उसी से तो बनी है, उससे बड़ी कैसे हो सकती है, समुद्र को सुनामी के भरोसे है या सुनामी समुद्र के भरोसे है, लेकिन जो लहर सबको लेकर के चले प्रेम से, अपना पानी दूसरे को लेने दे, प्रेम का आदान प्रदान करे, उसकी बलिहारी है, उसकी जय जय है, वो शरण है, उसको देर सवेर अपने स्वरूप का पता चलेगा कि लहर वहर कुछ नहीं, मैं तो पानी हूं, मेरे प्रभु के साथ एक हूं, वो भी पानी है, मैं भी पानी हूं, मैं वही नहीं वही है। तो धेनु नाम अस्मि कामधुक, ये इधर की बात इधर चलेगी, क्यों गौ की गौ माता का आदर करे, क्यों गीता का आदर करे, क्यों गंगा का आदर करे, क्यों अपने धर्म को विज्ञान की दृष्टि से देखे, क्योंकि बहुत ही हाईएस्ट पर्सपेक्टिव पॉसिबल है, ब्रॉडेस्ट पॉसिबल व्यू लिया है, इट इज ए सिस्टेमिक सेटिंग, इट्स ए सिस्टम्स थिंकिंग एट इट्स बेस्ट, हमारा धर्म गीता सिस्टम्स थिंकिंग एट इट्स बेस्ट, सिस्टम्स थिंकिंग वो होता है जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए टॉप स्किल नीडेड, कोई बड़े से कंपनी का कोई सीईओ की सर्च चल रही हो, एग्जीक्यूटिव सर्च, तो वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स दे लुक फॉर, वन द टॉप स्किल्स सिस्टम्स थिंकिंग है, क्या ये आदमी ऐसे इसको बनाया बड़ा, सबसे बड़ा अफसर जो ब्रॉडेस्ट व्यू ले सके, जो खाली अपनी ना सोचे, या तो खाली अपने पित्तों की नहीं सोचे, इस एक डिपार्टमेंट की ना सोचे, इस एक हेडक्वार्टर की ना सोचे, एक इस एक प्रोडक्ट के बारे में ना सोचे, एक खाली एक सर्विस लाइन के बारे में ना सोचे, खाली रेगुलेटर्स की ना सोचे, या तो खाली कस्टमर की ना सोचे, या तो खाली एम्प्लॉयज की ना सोचे, ये इसमें है क्या क्षमता सिस्टम थिंकिंग की, ये सब इंटरलिंक्ड है, ये अलग अलग टुकड़े नहीं है कि मेरे कंपनी के एम्प्लॉयज अलग है, मेरे कंपनी के कस्टमर अलग है,
मेरे टीम अलग है दूसरों की, ऑफिस ऐसा नहीं है। ये देख पाता है क्या वो सीईओ जो है कि हाउ आर दे लिंक्ड, हाउ इज एवरीथिंग लिंक्ड, इधर हिलाए तो उधर हिले, इधर से उसकी वाइब्रेशन उधर तक पहुंचे, ये समझ सकता है क्या? इधर फुल पाखरू बटरफ्लाई अगर विंग फैलाए तो फिलीपींस में टोर्नेडो बन सकता है कि यहां से उधर तक, वो बन सकता है, बनता है, विज्ञान ने से देखिए, ये समझ सकता है क्या इसको? वो सिस्टम थिंकिंग है। तो ये गीता को ऐसे ही भगदड़ों का शास्त्र न समझे। दिस इज सिस्टम थिंकिंग एट बेस्ट, आई कैन नॉट स्टॉप प्रेजिंग इट। तो ये जो कर्म योग है अथवा ये विभूति योग है, तीसरा अध्याय अथवा 10वां अध्याय, इट इज टेकिंग अस टू दैट लेवल, इट इज एलिवेटिंग आवर परस्पेक्टिव, इट इज लिफ्टिंग अस अप। ये जो कीचड़ में फंसे गधे की नहीं, मच्छर की नहीं, नाली के कीड़े के समान, उधर ही अपना 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 गिचमुड़ मिच गिचमुचुड़ में जीवन चल रहा है, उसको उठा के वो अली को, वो वर्ण को साफ सुफ करके भगवान तेरे ऊपर से दिखा रहे हैं, देख देख इतना सारा सब कुछ है, तू क्या इधर फंसा है, जा इधर, सब सारा साम्राज्य तेरा है, इसलिए सबका आदर करे, सबके लिए स्थान बनाए, क्रिएटिंग स्पेस फॉर एवरीबडी इज ट्रू, क्रिएटिंग स्पेस फॉर एवरीवन टू बी देमसेल्व्स, मोर फोकसिंग ऑन आवर ओन स्पेस। तो ज्यादा शरीर में मत न लटके, जिससे शरीर में अटका वो प्राणी बन, प्राणी की ओर की यात्रा, यहां से नीचे, यहां से उल्टी यात्रा। और जो शरीर को जिसने छोड़ने का प्रयास जो हो गया, शरीर से मन उठ गया, उसकी ऊपर की यात्रा अधोगति और ऊर्ध्वगति, ऐसे शास्त्रों में दो आता है। नीचे की यात्रा कौन? जो शरीर 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 करे। ऊपर की यात्रा कौन? दिव्य यात्रा, अलौकिक यात्रा, किसकी? जो शरीर नहीं शरीर नहीं शरीर नहीं करे। तो बिगेस्ट ब्लेसिंग इन दिस ह्यूमन बॉडी इज दैट when we are able to lift ourselves up from this, इसलिए भगवान हजार उदाहरण दे रहे हैं, देख इधर भी मैं हूं, उधर भी मैं हूं, वो उसमें भी मैं हूं, इसमें भी मैं हूं, इतने एक छोटे से शरीर में मत फंस, इसी को अपना मत मान, इसी दायरे में मत कूप मंडूक बन के रह। वो कूप मंडूक वाली बात पता होगी, कुएं में का मेंढक वो कीड़े मकोड़े खा करके अपने आप को बड़ा बास माने, फूलने लग गया और थोड़ा छलांग लगा तो लगा, इधर से उधर तक छलांग लगा, एक छलांग में उधर से इधर से आ जाओ तो अपने को बादशाह मान लिया, फूलते गया बिल्कुल, और किसी बाल्टी में आ गया बाहर निकला तो अरे ये क्या, उसको लगता था ये सारी दुनिया उस कुएं में, वो बाल्टी से खींचा और उधर से छलांग लगे तो ओ माय गॉड ये क्या, इधर ये क्या, फिर देखते देखते गया समुद्र के पास पहुंचा तो उसका दिमाग ठिकाने आया, कुएं का पानी कुछ नहीं था इसके सामने, इसमें तो ये बड़े बड़े गद्दार बब्बर कछुए है, अपने आप को बहुत मानता था। ऐसे विभूतियों का उपयोग हो कि बहुत है यार, बहुत भगवान का प्रागट्य, लेकिन हम भी उसके है, हम भी उसमें है, हम भी उससे है, हम भी वही है। तो कैसे भी हो, अपना मन कैसा भी हो, अपने कर्म पहले वाले कैसे भी हो, अपना शरीर कैसा भी हो, कोसे नहीं, नेगेटिव ना हो, नेगेटिविटी के लिए स्थान ही नहीं है भगवद गीता में, ओनली पॉजिटिव, ओनली गुड, ओनली राइट, ओनली अपवर्ड, ओनली प्रोग्रेसिव, ओनली लिफ्टिंग अप। इसलिए मैंने पहले इसकी जो शुरुआत करी आज, मैंने कहा दिस टेक्स अस फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, इट्स एन अमेजिंग जर्नी, इट इज नॉट डज नॉट गो फ्रॉम पीक टू वैली टू पीक टू वैली, उस वो तो क्या बड़ी बात है, दिस टेक्स यू फ्रॉम पीक टू पीक टू पीक टू पीक टू पीक। तो आगे कहते हैं प्रजनश्च अस्मि कंदर्प, कंदर्प क्यूपिड, कामदेव, मन को मोहने वाला, मन मथ कहते हैं उसको संस्कृत में, उसका नाम कामदेव का मन मथ, मन को मथने वाला, द एजिटेटर ऑफ द माइंड, द कैप्टिवेटर ऑफ द माइंड, कामदेव। उसका प्रयोजन क्या था? प्रजनश्च अस्मि, प्रजनन के लिए, प्राजैनी के लिए, अपनी आगे चलाने के लिए, प्राजैनी अपना वंश आगे चलाने के लिए जो आवश्यक अरेंजमेंट है, द मैकेनिज्म दैट हैज बीन पुट इन प्लेस,
वो चलेगा नहीं, वो चल नहीं सकता जब तक अट्रैक्शन ना हो। कामदेव का, क्यूपिड का, जो एरो का बताते, वो सब वो अट्रैक्ट कर, पकड़ लेता है, कैप्टिवेट कर लेता है। तो अट्रैक्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मी अर्जुन। वो कामदेव तो चाहे उतने जितने बाण छोड़े कुछ नहीं हो, कुछ प्रजा नहीं बने, कुछ बच्चे नहीं पैदा हो, कुछ नहीं हो, आकर्षण ना हो, तो कहते आई एम दैट आकर्षण। लेकिन क्यों? प्रजनश चास्मि, संतान की उत्पत्ति का हेतु शास्त्रोक्त रीति से। देर इज ए मेथड टू द मैडनेस। संतान उत्पत्ति के का भी धर्म है हमारे शास्त्र में, लिटरली उसके भी नियम है, उसका भी ऋतु होता है, उसका भी काल होता है, उसका भी समय होता है, उसका भी विधान होता है, उसके भी संस्कार होते हैं, बिलीव इट ऑर नॉट। 16 संस्कार जो होते हैं, जन्म से जन्म होता, मरते दम तक अलग अलग संस्कार होते हैं। जो जन्मे तो फिर वो मुंडन हो, खिलाई वो मौंज हो, नाम रखे तो ऐसे अलग अलग संस्कार। मरते तो उसको जलाते, उसका संस्कार 13वीं 14वीं वाला संस्कार, 14 डे क्वारंटीन, 14 दिन रुकना पड़ता है, उधर भी क्वारंटीन करना पड़ता है, 14वीं जब तक नहीं खाते तब तक। कैसी व्यवस्था थी कहते थे, 14 क्यों, शास्त्र में पढ़ा 14 दिन तक जर्म्स होते, कहते क्यों 14 दिन? सुतक जो होता था, जिसके घर में मृत्यु हुई, वो शव को रखा, पार्थिव देह को 3 दिन रखा, नहीं जलाया, 14 दिन नहीं, बाहर नहीं जाना, 14 दिन उसके संपर्क में नहीं जाना। जिस दिन से मरा 14 दिन अगर जाए, संपर्क में आए, तो नहा लेना साबुन से, वस्त्रों को धो लेना साबुन से। ये बातें हमारे शास्त्र में हम करते हैं, भारत में अभी भी। वो कहाँ से आए? वो परमाणु, उसमें जीवाणु है, कहाँ शब्द, जीव अणु, अणु इज एटॉमिक, माइक्रो, जीव, वायरस का नाम। तो इसलिए 14वीं बनाए। तो गधे थे लोग जो बताते थे, अरे नहीं 14वीं तक साफ से अलग रहना। अभी तो वही तो कर रहे क्वारंटीन में अलग प्रकार से। तो इसलिए ब्रॉड माइंड की जरूरत है। जितना ब्रॉड माइंड होगा, मतलब ब्रॉड इन द सेंस ऑफ ओपन माइंड होगा, उतने हम विनम्र होते जाएंगे, हम्बल होते जाएंगे। जितने विनम्र होते जाएंगे, झुकते जाएंगे, उतनी हमारी रीति का अगर भरती जाएगी, ज्ञान मिलते जाएगा। जितना ज्ञान मिलता जाएगा, उतने भाव उत्पन्न होंगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य संयुक्तम क्रीडति। भक्ति के विषय में कहा पद्म पुराण, पिछले बार मैंने पद्म पुराण का एक श्लोक बताया था, ब्रह्म खंड में से, याद होगा तो ध्यान के समय कौन सा श्लोक बताया था पिछले बार, कृष्ण नाम चेतस अभिन्नत्वात् नाम नामिनम। कृष्ण ये एक ऐसा है, कृष्ण और कृष्ण का नाम, उसका नाम भी चेतन है, कॉन्शियसनेस है उसके नाम और उसमें, और फर्क नहीं है। जिसके हृदय में उसका नाम बैठ गया, जिसके उसके नाम में प्रेम हो गया, उसको ऐसा लाभ होने शुरू हो गया अनुभव कि उसमें प्रेम हो गया। इसलिए नाम जपन का महत्व है। वो ब्रह्मखंड पद्म पुराण की बात थी, उसी पद्म पुराण में अलग जगह पे ये बात आती है जो अभी मैंने बताया, कि भक्ति कौन सी होती है, ये भजन के भजन करते गए वो नहीं, ज्ञान वैराग्य संयुक्ता क्रीडति प्रेम रस। स्पष्ट उदाहरण है, भक्ति वो है जो ज्ञान और वैराग्य के साथ है, संयुक्त है उसके। तो बेटे भक्ति, डिवोशन इज नेवर विदाउट विजडम, डिवोशन इज नेवर, रियल डिवोशन इज नेवर विदाउट नॉलेज, डिवोशन इज नेवर विदाउट डिटैचमेंट, डिवोशन इज नेवर विदाउट रिनंसिएशन, डिवोशन इज नेवर विदाउट गिविंग अप और लेटिंग गो। भक्ति में पहले लेट गो हो गया, छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? सब छोड़ दिया, चिंता छोड़ दी सबसे बड़ी बात, ममत्व छोड़ दिया, फिक्र छोड़ दी। ज्ञान भी अगर हो, वैराग्य भी हो, तब भक्ति हो, और जब भक्ति हो तो पद्म पुराण कहता है फिर प्रेम रस बहने लगता है। प्रेम रस में क्रीड़ा करती है भक्ति, तैरती है, स्पोर्टिंग इन द लवली ब्यूटिफुल लेक ऑफ लव, अब अनअटैच, अनकंटेमिनेटेड, प्योर।
फ्लो ऑफ लव अकंपनीड बाय ज्ञान एंड वैराग्य. तो द पॉइंट वाज इतनी धर्म संयुक्त बात है यहाँ पे जो भगवान ने कहा कि धर्म को लेकर जो बच्चे पैदा करने का कि जो व्यवस्था है उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैं हूँ. ये भगवान सब अपने आप को बताते हैं जो अच्छा बुरा डिवीजन नहीं है इधर कि वो मैं अच्छा वाला वो सेटन जो है वो बुरा वाला है. मेरे पास आएंगे तुम हार बजाते रहोगे वाइन पीते रहोगे क्लाउड 9-11 हेवन जो भी होगा उधर जाओगे तो बर्न इन हेल फॉर इटर्निटी इटर्निटी. इधर कहता है मैं वो भी मैं हूँ जुआ खेलने वाला भी मैं हूँ आगे कहेगा गैम्बलर भी द ग्रेट गैम्बलर. अमिताभ बच्चन की मूवी आई थी द ग्रेट गैम्बलर वो ये थी इससे बड़ा ग्रेटेस्ट गैम्बलर कोई नहीं है. कहता है गैम्बल आई एम द रिस्क टेकिंग गैम्बलिंग इन द सेंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ द रिस्क टेकर्स आई एम दैट एडवेंचर द थ्रिल दैट दे सीक आई एम टू. मृत्यु भी मैं हूँ डेथ भी मैं हूँ असत्य भी मैं हूँ झूठ भी मैं हूँ. कहता है झूठ तो बुरा वो झूठ भी मैं हूँ और वो प्रवृत्ति वो जहां से वृत्ति आती वो भी तामसिकता भी मेरे से आती. कहता है बुराई भी मेरे से आती है. ऐसा किसी के भगवान ने नहीं कहा सबके भगवान ने अपने पास अच्छा अच्छा रख लिया. कहते वो उधर मत जा इधर आ. ये कहता को जैस तू जैसा है जो है जब सब बस फंडामेंटल समझ ले तो सब अपने आप क्लीन हो जाएगा अपने आप कंटेमिनेशन निकल जाएंगे क्योंकि सेटिंग अच्छा ही में बुरे में बुरा व्यक्ति जो है उसका सेटिंग गुडनेस में ही है. द मोस्ट फ्रॉडुलेंट ऑफ द फ्रॉडस्टर एवर ऑल्सो वॉन्ट्स हिज अकाउंटेंट टू बी एन ऑनेस्ट मैन ना. उसके साथ बनवासी नहीं चाहता वो अपने सर खुद के साथ. तो क्योंकि कोर के कोर में अच्छा ही है सबके. उस कोर के कोर में देखे किसके भी साथ देखे बताओ करे तो वो भगवान है. ऊपर ऊपर से कितना भी गुंडा लगे बुरा लगे उसको हंस दे उसको प्रेम दो चार प्रेम के वचन बोल दे उसको सुना अनसुना कर दे देखा अनदेखा कर दे आगे चले जाए इग्नोर कर दे डिसरिगार्ड कर दे ज्यादा चिपके नहीं कुछ गाली गलौज न करे वो झंझट न मोल ले ठीक है भैया चलो आगे अपनी यात्रा. लेकिन जाते जाते पैसिंग बाय देख तो ले करके हंस ले पकड़ लिया प्रभु तेरे को इधर भी मैंने कोर के कोर में अच्छाई है ही नहीं है तो उसका अस्तित्व नहीं रह सकता. और वो जब पकड़ लिया वो दृष्टि जब आ गई सब भूतों में वो देखने की विभूति तो फिर भगवान पकड़ में आ गया. फिर अपने किसी भी परिस्थिति में अपने कैसी भी अपने आप में भी वो पता चले नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग विद मी नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी आई नो हाउ टू लुक फॉर गुडनेस फॉर द राइट फॉर दैट विच इज राइट इन इट एंड दैट इज एक्सट्रीमली एम्पावरिंग दैट इज सुपर एम्पावरिंग. We're going to start calling these reflections empowering Gita reflections. Because that's what the Gita is. This is not about me or the session. It's about the Gita. It's empowering. It's a superpower is to us. Empowering Gita reflection. To kaam ko bhi bura nahi kaha. So long as अपने विधि में काबू में रहे कंट्रोल में रहे जिसके लिए आवश्यक है जब आवश्यक है जितना आवश्यक है उतना उसका उपयोग किया. बुरा होता तो बनाते ही नहीं था होता बना है तो बुरा नहीं हो सकता. लेकिन उसका उपयोग जैसे मनी इज नॉट बैड हाउ इट इज यूज्ड कैन बी बैड व्हाट इट कैन डू इज बैड मनी बाय इटसेल्फ इज नॉट बैड. ऐसे ही द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट बैड बट व्हेन इट बिकम्स कंटेमिनेटेड इन अ सेल्फिश वे जबरदस्ती जब हो जाए बलात्कार जब हो जाए नहीं नहीं ऐसा ही इससे ही प्रेम मिले इतना ही मेरे ऐसा ही मिले ओ सब सड़ा रहा फिर बुराई उसमें आ रही. क्यों? क्योंकि स्वार्थ आ रहा. क्यों? क्योंकि लिमिटेशन आ रहा है. क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट था वो फाइनाइट हो रहा है. जो भी फाइनाइट होगा वह कॉन्ट्रैक्ट होगा सड़ेगा गड़ेगा खुद बुरा होगा दूसरे को बुरा करेगा. इसलिए ओपन ब्रॉड गिव एंड टेक इज द वे ऑफ द वर्ल्ड इज हाउ द सिस्टम वर्क्स रिसीविंग एंड गिविंग शेयरिंग. तो और आगे कहते सर्पाणाम अस्मि वासुकी सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ.
इसके आगे ही कहते हैं अनंतश्चास्मि नादानां, सो दीज आर कनेक्टेड. सर्प इज अ सर्पेंट, वो ऐसा ऊपर उठा के फणा लेकर नहीं कर सकता, खाली वो सरकते सरकते ही जा सकता है. सर्प सर्पेंट. नाग इज डिफरेंट, कोबरा. कई कोई नाग देखे गए हैं, वो इतनी ताकत, वो इतना खड़ा, पूरा का पूरा खड़ा हो सकता है, कभी देखा गया है. खाली फणा नहीं, वो तो ऐसे नागों में इतनी ताकत हो सकती है, वो एकदम सर पूरा का पूरा लंबा उठ सकता है एक एक दो क्षण के लिए, और फिर धीरे आए. फुल भी सकता है, उठ भी सकता है, और वेनमस भी होता है वो नाग. वो उसकी खासियत ही वो ऐसे गुंडाली बांध के बैठा होता है. सर्पेंट इज यूजुअली इन अ ट्विस्टेड वे. And they have different characters. They come from the same family, लेकिन they are different. उनकी might अलग है. Nag, cobras are a lot more dangerous and powerful, mightier than serpents. So sarpanam vasuki, वो था जो याद होगा देव दानव युद्ध, समुद्र मंथन जो हुआ था, इधर से देव उधर से देव, उस पर्वत रख दिया था बीच में, पर्वत वो अभी फिर से संक्षेप में कहनी पड़ेगी नहीं तो मस्त रोमांचकारी कथा है. वो पर्वत इतना बड़ा रख दिया घुसलने के लिए, तो डूबने लग गया समुद्र में, इतना बड़ा पर्वत को कैसे, तो अभी वो उसको ऊपर उठाया तो फिर से डूबने लग गया, तो अभी कैसे करे इसको, तो किसी की ताकत नहीं चल रही थी इसको हैंग, इसको फ्लोट करे. तो कश्यप अवतार सुना होगा, टॉर्टोइस, कासव अवतार, कछुए का अवतार. और फिर जो उसी को आना पड़ा वो कछुआ बन के उसके नीचे, और उसके हार्ड शेल होती है कछुए की, उस पर उसको रखा, और फिर अपने समुद्र मंथन का काम चालू हो गया. तो उसको रस्सी के लिए ये वासुकी नाग को, ये लंबा होता है बहुत, इसको जितना लंबा चाहिए उतना पक्का भी होता है. वासुकी इधर से मुख की ओर से एक ने पकड़ा, दैत्यों ने इधर से, देवों ने पकड़ा, और वो करते थे वो वासुकी. अनंतश्चास्मि नागानाम, आगे के श्लोक में क्या कहते हैं, मैं नागों में शेष नाग हूं. तो नाग अलग है सांप से, उनके नाम भी अलग है, उनके काम भी अलग है. तो ये भी सांकेतिक भी है. शेष, मैंने एक बार पहले बताया था, शेष शब्द का अर्थ है बाकी, लेफ्ट, रिमेनिंग, व्हाट एल्स, एवरीथिंग एल्स इज शेष, है ना. शेष क्या रहा, शेष कुछ नहीं रहा, शेष मतलब बाकी, लेफ्ट ओवर. तो वो जो जो सर शेष नाग क्षीर सागर में होता है, उसके ऊपर विष्णु नारायण भगवान सोए हुए दिखते हैं, वो उसके कोबरा के छाया में, योग निद्रा में पाए हुए, लक्ष्मी माता उनकी चरण चुप्पी कर रहे, ऐसा चित्र हम सभी ने दिख, क्षीरोदक साई नारायण क्षीर के समुद्र में. ओ, उनको खोजने के लिए जो पड़े योगी, ये है क्या, इसमें है क्या, भगवान ये है क्या, न इति न इति न इति नैति नैति नैति, वेदों का प्रसिद्ध वाक्य से लेकर, जो शेष रहा, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं, इसने इसने जो बाकी रहा उधर मिलेगा भगवान. ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, मतलब क्या, बाहर की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी मैटर है, जो भी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, जो भी दिखाई दे, जो भी सुनाई दे, जो भी चख पाए, जो भी सुनने में आए, अच्छा ये है, ऐसा है, नहीं वो है, वैसा है, नहीं ये भी नहीं ऐसा नहीं, इस सब करके फिर अभी तो कुछ नहीं रखा सब, फिर शेष क्या रहा, अभी अंदर जाके देखो, शेष अभी है, अभी कुछ अंदर है, जिससे देखा जा रहा था, जिससे सुना जा रहा था, नॉट जो सुन रहा था वो नहीं है, जो देख रहा था, जो खा रहा था, जो चख रहा, वो तो ऑब्जेक्ट्स थे, लेकिन जिस से देखा सुना किया जा रहा था वो कौन है, जरा देखना शेष, कोई बाकी रहा तो वस्तु तो सब हो गए. तो हु इज दैट, द वन हु इज परसीविंग, विटनेसिंग, ऑब्जर्विंग, ईटिंग, कंज्यूमिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, हु इज दैट. ये बात कई सत्र पहले हुई है, तो इसलिए फिर से नहीं लाते, उपनिषदों की श्रोत्र से श्रोत्र
घ्राण से घ्राण, चक्षु से चक्षु, आत्मा से आत्मा, आंखों की आंख, कानों की कान, कौन है वो? वो अन्यथा अनंत है, अनंतश्च अस्मि नागानाम, अनंत है, अंत मतलब एंड, अनंत इज एंडलेस, लिमिटलेस, इनफाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट है, कोई एंड नहीं ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को, कहां तक जाएंगे, कौन से प्लैनेट, कौन सी गैलेक्सी, कितने स्टार्स, कितने एस्ट्रॉइड्स, कितने मेटियोराइड्स, अथवा वो छोड़ो इतनी अपनी पृथ्वी में कितनी स्पीशीज, कितने कीड़े, कितने फ्लोरा, कितना फाना, उतना भी छोड़े एक आदमी को लो, मनुष्य, कितने अलग अलग प्रकार के मनुष्य, कितने के कितने रंग, कितने स्वभाव, हर का अपना अलग नाटक, ये तो एंड हो जाए, अपना शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये समझ नहीं पाएंगे। तो अनंत है, उसमें से जो शेष रहा, अस्मि भगवान कहते वो मैं हूं, अनंतश्च अस्मि नागाना, वरुणो याद सामहम, जलचरों का अधिपति वरुण देवता मैं हूं, ऑल द एक्वेटिक्स, वरुण कौन है, द गॉड ऑफ एक्वेटिक्स, जो भी एक्वेटिक लाइफ है, ऐसा कहते हैं, आई बिलीव इट, विज्ञान की, जो समुद्र में जितने जीव है वो ज्यादा है पृथ्वी पर जितने उससे, और द ओशन लाइफ इज मोर रिप्लीट, रेस्प्लेंडेंट, वाइब्रंट, क्वांटिटेटिवली, क्वालिटेटिवली देन आउटसाइड ऑफ द ओशन, उधर ज्यादा जीवन है समुद्र में देन जो समुद्र के बाहर, लेकिन समुद्र में मनुष्य नहीं है, इसलिए पृथ्वी का से इधर ऊपर में मनुष्य है, जो ये बात भी मैंने पिछले बार बताई थी, अगर किसी को याद हो तो, ये बात ग्यारहवें स्कंद भागवत के ग्यारहवें स्कंद की ये बात थी कृष्ण और उद्धव की, वृक्ष वाली बात दूसरे मित्रों के साथ किया था कृष्ण ने, ये वाली बात उद्धव के साथ करी थी, क्या उसने कहा था, देयर आर सच अ फिनोमेनल वर्ल्ड, द क्रिएशन हैज नो सीज नो एंड, देयर इज नो एंड टू हाउ मेनी, कितने क्या क्या बना के रखा है, लेकिन इसमें जो मनुष्य देह है, मनुष्य प्राणी, वो सबसे फर्स्ट क्लास है, सबसे फैंटास्टिक है, फैंटास्टिक है, फैंटेसी से आया फैंटास्टिक, इट इज एज ए फैंटेसी वर्ल्ड, इट इज अनबिलीवेबल, व्हाई, तो वो तो इसमें एक शक्ति है कि ये ढूंढते ढूंढते ढूंढ, इसमें विचार करने की शक्ति है, जो भी देखा सुना उसके बारे में दूसरा कोई विचार नहीं कर सकता, विचार करता नहीं और कर सकता नहीं, प्राणी लोग विचार नहीं करते, कर सकते, प्रोग्रामेटिक है, उतना ही जो जो बना के रखा उतना ही इवॉल्व नहीं होते, इसलिए ये विचार करके इवॉल्व होता है, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है, भगवान कहते हैं सारे वचन कृष्ण से, कृष्ण और उद्धव का संवाद है, तो विचार करते करते ऐसा समय आता है दैट इज एबल टू कर्व बैक एंड अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, ये सोचे देखे अपने में अपना समय आया कि नहीं इस जीवन में, इतना विचार कर लिया, इतने दुनिया भर का कचरा पट्टी समझ लिया, सीख लिया, लेकिन ऐसा समय आया कि नहीं आज तक कि अपने आप को समझने की इच्छा पैदा हो कि मैं कौन हूं यार, ये सब इतना, ये भगवान कहते कि दैट स्टैंड्स हिम अपार्ट, ये मैंने पिछले बार डिटेल में बात बताई थी, भूले नहीं, पिछले बार का सुन ले अथवा तो अभी इसको ध्यान में रखे कि मैंने चित्त ये गंधर्व बनाए, उनके समान कोई आर्टिस्ट नहीं है, मैंने अप्सरा बनाई, उनके समान किसका सौंदर्य नहीं है, मैंने सिद्ध बनाए, उनके समान उनके मनोगति नहीं है किसी की, अलग अलग, मैंने ये राक्षस बनाए, उनके समान फिजिकल प्रावेश नहीं, शरीर स्पष्ट नहीं है किसके पास, मैंने ये देवता बनाए, ऐसा ऐसा तेज नहीं है किसके पास, लेकिन बॉस कहते उद्धव इस सबसे मनुष्य है, देखिए मनुष्य सबसे सुंदर है, नहीं, मनुष्य सबसे तेज है, नहीं, मनुष्य सबसे आर्टिस्ट टैलेंटेड है, नहीं, कुछ भी नहीं, तो मनुष्य सबसे श्रेष्ठ कैसे, दे ये एक है जो सबसे तेज सोच सकता है, विचार सोच है, क्या इसका फायदा क्या, ये अपने आप को समझ सकता है, अच्छा तो वो व्हाट्स द बिग डील ऑफ दैट, अपने आप को समझ ले तो नहीं, फिर वन मोर खासियत है वो, ये सारा का सारा कृष्ण उद्धव संवाद है, मेरा मसाला नहीं है, अब मेरी भाषा में बोल रहा हूं मैं, लेकिन वो उनका संवाद है, कृष्ण और अर्जुन का ये है गीता, कृष्ण और उद्धव का वो है, उद्धव वो था जो अर्जुन से और श्रेष्ठ था,
अर्जुन से ज्यादा प्रिय था कृष्ण को, अर्जुन से ज्यादा नजदीक था, आत्मीय था, प्रिय था वो, अर्जुन से ज्यादा उसको मानते थे। अर्जुन को तो सखा और अपने से ज्यादा नहीं मानते थे। कृष्ण उद्धव को कभी कभार कह देते थे ये तो मेरे से बढ़कर है, मेरे से ज्यादा है, तो कम से कम मेरे जैसा तो है इतना ही, उद्धव के लिए कहते थे। उसके साथ उसको आखिरी रखा अपने साथ, सब कुछ छोड़ दिया, लास्ट दिन आखिरी दिन अंतिम दर्शन उद्धव को हुए, अंतिम संवाद उद्धव का हुआ और अंतिम उपदेश इंस्ट्रक्शन जो मिला मानव जन धर्म वो भी उद्धव को मिला। उसमें का ये संवाद एक ऐसा सौभाग्य है, घर बैठे मस्त मिल रहा है पर वो भी अपनी भाषा में मिल रहा है। उसमें भगवान कहते हैं तो बिग डील किया अपने आप को समझे, मतलब यदि अपने आप को जब समझता है तो नेक्स्ट मोमेंट वो समझ लेता है कि मैं उसमें हूं, मेरे को समझ लेता है, वो समझ लेता है कि मैं ही हूं वो, इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती उद्धव जो मेरे साथ एक हो जाए, उससे बड़ा और कोई गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर पत अन्नग अप्सरा चित्ररथ कोई कुछ नहीं मिला सकता जो ये मेरे को मिला सकता है, खाली ये मनुष्य मिला सकता है, मेरे को मिल सकता है विचार द्वारा। इसलिए और अपन किधर फंसे, किस विषय में विचार कर रहे हैं, इस हड्डी के बारे में, इस मांस, इस ये बाल और ये दांत और ये ऐसा मेरा तन बदन, इधर फंसे हमें तो सब अपने से ज्यादा, सब सबको सबको ज्यादा मिला है अपने से वो तो, लेकिन अपने को जो मिला है सबसे ज्यादा अपने को जो मिला है उधर लगाया तो बुद्धिमानी होगी, ये जो अभी चल रहा है सब उधर। तो आगे कहते हैं पितृणाम अर्यमा अस्मि, ये क्या बात है कि जो मैंने 14 भुवन बताया, भू भू अस्वा जना महा तपा सत्यम, ब्रह्मलोक तक, 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, लोक मतलब द सिस्टम्स, सोलर सिस्टम जैसी है, भूलोक ये है, कॉस्मिक सिस्टम्स, प्लैनेटरी सिस्टम, लोक मतलब प्लैनेटरी सिस्टम्स, देयर आर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स इन आवर स्क्रिप्चर जिसमें जीवन संभव है, लाइफ एग्जिस्ट इन 14 डिफरेंट सिस्टम्स, दिस इज वन ऑफ दोस, दिस इज द ओनली वन जिस पर मनुष्य नाम का प्राणी लाइफ होता है फॉर्म, ये सबसे पृथ्वी ग्रह उसको सबसे प्रिय है वसुंधरा, क्यों, क्योंकि इस पर मनुष्य है, क्यों, क्योंकि उसमें वो छुपा है, ये मनुष्य उसको जान सकता है इसलिए। लेकिन 7 ऊपर और नीचे भी है, अतल वितल सतल आताल तलातल रसातल, तो इसमें कहते हैं इनमें से एक पितर लोक जो मैंने नाम कहे अभी, उसमें से ब्रह्म लोक सत्य लोक उसके पहले वाला एक नीचे उसको पितर लोक कहते हैं, कहते हमारे पुण्यवान पितर जो होते हैं अपनी माता अपने पिता जो जिनके जो भी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर चाचा चाची नाना नानी मामा मामी जो भी गुजरते तो पुण्यात्मा जो होते वो पितर लोक में जाते हैं। तो वो कहते वो उधर जो है पितर लोक में ये कह रहा है उनमें मैं आर्यमा हूं, क्या बात करे पता नहीं कौन पितर कौन सा पितर लोक कौन सा आर्यमा, इसलिए मैं बता रहा हूं इधर जो कह दिया पितृणाम अर्यमा चास्मि, च मतलब एंड संस्कृत में, अस्मि मैं हूं पितरों में, आर्यमा नाम का एक एंसेस्टर हो गया जो प्रसिद्ध था सबसे संयमी होने के लिए, सेल्फ रिस्ट्रेंड सेल्फ कंट्रोल्ड द बेस्ट नोन विद स्क्रिप्चरल एविडेंस always in his control, his senses were so much in his control, that usko pitar lok mein gaya to usko unhone apna shreshth guna apna leader bana diya, leader matlab tum hame sabko manne hai ki tum hame sabse bade ho, kyun kis karan ka tumhare jaisa sanyami nahi aaj tak ko prithvi par, to sanyamiyon mein yahan pe kehte hai aur idhar sanyam ki to baat nahi lekin kyun usko wo padvi mili iski katha bata raha, उसके संयम से उसको वो पदवी मिली पितृणाम अर्यमा अस्मि। तो इसका महत्व क्या है, ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः, इस श्लोक कहते हैं जो स्ट्रगल कर रहा हो अपने माइंड कंट्रोल के, जिसके इंद्रियां सेंसेस उसके इंद्रियों के नियंत्रण में ना हो,
न चाहते हुए भी भागे जा रहे, देखा जा रहा है, खाए जा रहे, बकवास करते जा रहे, सुनते जा रहे फालतू की बातें, नहीं चाहते लेकिन इंद्रिया नहीं मान रही, ऐसा लग रहा है। उनके लिए का प्रिस्क्रिप्शन, अच्छा इसकी ये कथा जो अभी बताई याद करो और उसके नाम का जप करो, ओम आर्यण आर्यमाय नमः, ओम आर्यमाय नमः, ओम आर्यमाय नमः। तो देर सवेर पितरों की, अपने पितरों की कृपा होके संयमित मन होने लगेगा, ऐसा बिलीफ है, विश्वास है। इसलिए बताया, ये गीता में नहीं है, कहीं दूसरे जगह पे है। यमः संयमतामहम्, शासन करने वालों में मैं यमराज हूं। द मोस्ट फ्लॉलेस एक्सिक्यूटर डेथ एम आई अर्जुन, नो एक्सेप्शन, नो कॉम्प्रोमाइज, नो ब्राइबरी, नो डिसइंटेग्रिटी, नथिंग डूइंग, लॉ एंड ऑर्डर, पीरियड। संयमित करने वाला द कंट्रोलर, द एक्सिक्यूटर, हाउ द मोस्ट फ्लॉलेस, उसमें मैं यम हूं। देखो कैसी फिनोमिनल बात है, ये गधों की बात हो सकती है, ये कितनी इंटेलिजेंट बात है कि द डेथ आई एम अमंग फ्लॉलेस ऑफ द एक्सिक्यूटर्स। समय आ गया तो आ गया, जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, निकल गया तो निकल गया, एंड ऑफ स्टोरी, इट्स बीन एक्सिक्यूटेड, डन डील। तो ये आता है इधर, तो समय है थोड़ा, तो आगे चलते हैं। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कालयतामहम्, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम्, वैनतेयश्च पक्षिणां। और फिर थोड़ा संस्कृत में भी कहेंगे, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गायन गणना करने वालों में, काउंटर्स, गणना करने वालों का समय हूं। आई एम टाइम अमंग द काउंटर्स। वो घड़ियाल होती थी पहले, टिक 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 वाली, वो देखते रहते ना, फ्रस्ट्रेटिंग था, तो कभी रुकती नहीं है, चलते रहते हैं अपने पेस। अभी भी टाइम देखे तो बस परफेक्ट काउंटर, परफेक्ट काउंटिंग टाइम, कम व्हाट मे, रेन और शाइन नहीं हो, हरिकेन हो, टॉर्नेडो, वाइल्ड फायर हो, भूकंप हो, अर्थक्वेक, वोल्केनो, व्हाटएवर, टाइम कैरीज फॉरवर्ड इन एंड थ्रू इट, टाइम कीप्स काउंटिंग, नेवर गोज बैकवर्ड, कीप्स गोइंग फॉरवर्ड, दिस इज अमंग द काउंटर्स टाइम आई एम। मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम्, मृग इज द बीस्ट, वाइल्ड बीस्ट, मृग का अर्थ अर्थ होता है फ्रॉम द बीस्ट ऑफ द जंगल, नॉट नेसेसरली ऑलवेज वाइल्ड, ऑल्दो इट बॉर्डर्स ऑन द वाइल्ड बीस्ट, प्राणी जो जंगली प्राणी, मृग अर्थात जंगली प्राणी। मृगया करने गया कहते थे राजा, मृगया करने जाते थे, मृगया मतलब शिकार, शिकारी थे, शिकार करने जाते थे, मृगया। इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृगयंती युगे युगे, ऐसा भागवत में श्लोक आता है, फर्स्ट क्लास, अगेन ये भगवत गीता वाला नहीं, भागवत 18,000 श्लोक वाला, ये तो 700 श्लोक है खाली, ये तो 1% का 1% भी नहीं है गीता भागवत के, वो 18,000 श्लोक 12 वॉल्यूम्स है उसके, 12 वॉल्यूम्स डिफरेंट। उसमें आता है इंद्र अरि व्याकुलम लोकम मृगया शब्द आया, इसलिए कह रहा हूं मृगयंती युगे युगे, ब्रह्म अन्ये च अंश कला पुंसः कृष्णस्त भगवान स्वयं, इंद्र अरिव्याकुलम लोकम मृगयंती युगे युगे। ये बड़ा सुंदर श्लोक है, ये कंठस्थ करने योग्य है, समझने लायक है, ध्यान करने लायक है, ये भागवत का श्लोक है, इसका अपना सामर्थ्य है, संस्कृत भाषा का अपना प्रभाव है। इसमें क्या कहा अभी जो कहा मैंने, अन्य च अंश कला पुंसा, देख परीक्षित, बाकी जो है तेरे को सब हरि कथा सुनाता हो, अलग अलग अवतार सुनाता हो, ये सारे जो अवतार आते हैं आएंगे, ये आंशिक है, फ्रैक्शनल है, पोर्शन से पार्शल है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड। कला मीन्स डायमेंशन इन संस्कृत, पार्शल मैनिफेस्टेशन ऑफ इट। अन्ये च अंश कला पुंसा,
ये जो परम पुरुष है द सुप्रीम ऑलमाइटी द फाइनल गॉड हिज पार्शियल मैनिफेस्टेशंस आर ऑल द रेस्ट व्हिच वंस मत्स्य अवतार कूर्म अवतार, मैंने अभी बताया समुद्र मंथन के समय कछुआ बन गया था, प्रलय के समय मत्स्य बन के उठाया था, अभी प्रहलाद की बात आएगी हिरण्यकश्यप के वध के लिए नरसिंह भगवान बन गए थे, वो हरे कृष्ण वाले मंदिर में नरसिंह भगवान की आरती करते केशव दृढ़ता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय गौरांगता, वो वाला नरसिंह, ये सब पार्शल अवतार थे। कृष्णस्त भगवान स्वयं इस समय आठवें अवतार के समय भगवान ने कहा पूरा जाता हूं मैं, अब सारा का सारा लेकर के जाता हूं अपना पैरा फिरने लिए, I'll take all my prowess, I'll take all my beauty, all my love, all my joy, all my magic, all my fun, all my goodness. Swayam, the whole thing, the whole enchilada, all of it. Kyun? To uske aage Indra, Ari, Vyakulam, Ari matlab dushman, Sanskrit mein. इंद्र के जो दुश्मन है, इंद्र मतलब सुर, सुर मतलब द गुड वंस द राइटियस द अपहोल्डर्स, उनके जो दुश्मन है मतलब द अनराइटियस, उनको व्याकुल करने के लिए, उनको तड़पाने के लिए, उनको भगाने के लिए मृगया मृगयंती शिकार करने के लिए उनकी युगे युगे, ये कृष्ण कह कुछ युगों के बाद फिर से आता है उनकी शिकार करने के लिए, कंस की शिकार करी, रावण की शिकार करी, कुंभकर्ण की शिकार करी, इंद्रजीत की शिकार करी, खर दूषण की शिकार करी, चाणूर मुष्टिक की शिकार करी, शिशुपाल दंत वक्र की शिकार करी, ये मृगया करी, उसको मृगया कहते, इसलिए बताया ये युग में आता है। इधर कहा मृगाणाम च मृगेंद्रो अहम, मृग इंद्र द किंग ऑफ द बीस्ट, लायन को कहते मृगेंद्र, Lion I am, Arjun, among the wild beast. Singh hu, sher hu main, babbar sher, jangli praniyon mein, sabke niyantran mein rakhne wale, ek dar kahin phode to bhag jate sab, aur wo khali muh khole roar kare to bhag jate, kuch baki kuch na kare। और वो भी कैसे होता है, वो जितनी जरूरी उतना ही लेता है वो शिकारी, मैंने एक बार बताई थी बात इसको, यू कैन स्टडी दिस, टाइगर्स लायंस दे डोंट किल फॉर नो रीजन, विदाउट एनी रीजन दे डोंट किल मोर देन दे नीड, दे ओनली किल एज मच एज दे नीड एंड देन जस्ट गो अवे, उनके बाजू से फिर जाते तो कोई उसको मारता नहीं, भूख लगे तो फिर छोड़ता नहीं है, वो प्रोग्रामड है इसलिए, लेकिन उसमें भी निस्वार्थ का प्रोग्राम है, उस स्वार्थ प्रोग्राम में भी सब प्रोग्राम निस्वार्थ का है, स्वार्थ क्या है, भूख लगी तो मारो फाड़ के खाओ, उसमें निस्वार्थ क्या, भूख मिट गई ना अब नहीं फाड़ो, अब नहीं खाओ, नहीं सताओ, रहने दो उनको, तो ये भी सिस्टम में कैसी सब सिस्टम, मैंने कहा ना कोर का कोर इज गुड ऑलवेज, सो वयनते यश्च पक्षिणाम, वयनते गरुड़ को कह रहे ईगो, आई एम अमंग the flying objects, among those who fly in the sky, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। गरुड़ का भी अगर अभ्यास करे तो गर्व से फूल जाए, तो it's not for no reason that America calls eagle its national bird, the eagle has landed कहते हैं, well, the bird of prey तो है लेकिन उसका wingspan, उसकी might, उसकी aerodynamic, the aerodynamic design of an eagle, उसका bone structure, the aerial adaptation of the ego, कि जो aerodynamic को harness करके जो हवा चल रही है उसकी जो efficiency है बहने की fly होने की, it is precision at play, how perfectly it is harnessed, ऐसा है उसकी जो sail जैसे होती sailboat, गरुड़ के ऐसे उसकी टेक्निक जो उसके स्केल्स होता है, उसके पंखों की रचना है, तो उसका खुद का स्केल कि वो हवा जिस दिशा से बह रही उसकी उल्टी दिशा में उसी हवा को हार्नेस करके जा सकता है, बाय वेयरिंग द डिफरेंट एंगल्स ऑफ इट्स फेदर्स एंड ऑफ इट्स विंग्स, सो इंटेलिजेंटली सो क्लेवरली दैट द नेट रिजल्टिंग इफेक्ट
of the wind blowing against it is such that it actually propels wind in its wings to fly anywhere. Uski drishti ek mil dur se itna sa prithvi par ka tukda dekh le sakta hai, dikhta hai. The very keen eyesight, very efficient and very skillful and very high flying. Isliye garud ka udaharan diya. So प्रहलाद के रह गए बात प्रहलाद अश्चास में दैत्याना संक्षिप्त में कहता आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो द स्टोरी ऑफ प्रहलाद भगवान के जो दश अवतार हुए वो अवतार किस लिए हुए जय विजय नाम के दो उसके सेवक उसके गार्ड उस डोर कीपर्स इन अदर वर्ड्स वैकुंठ में डोर तो नहीं थे लेकिन उसको गार्ड कहे जय और विजय ओ चार जो सनक सनातन सनक नंदन चार ब्रह्म ऋषि दर्शन करने के लिए वो मनोगति से किधर भी जाए कहीं भी जाए छाट छूट थी उनकी क्योंकि उनके मन में कोई इच्छा नहीं थी किसी इच्छा से नहीं जाते थे किसी से कुछ चाहते नहीं थे किसी को एम्बेरस नहीं करते थे किसी को मुसीबत नहीं डालते थे किसी की फजीती नहीं करते थे इसलिए उनको कहीं भी जाने की अथॉरिटी थी ऑटोनॉमी थी इधर वैकुंठ में आए ये जय विजय अड़ गए नहीं उधर हमारे प्रभु आराम कर रहे हमारी माता उनकी चरण चंपी कर रहे वो निद्रा में है नहीं जाने दिया वो कहते देख बेटा ऐसा ना करो छोड़ो हम लोग कुछ कारण से आए कुछ बात करनी है नारायण से इसलिए जाने तो नहीं जाने नहीं नहीं मतलब नहीं पक्के अड़ गए जय विजय तो आखिर इनका थोड़े फिसल के क्रोध आ गया तो उनको 10 बार कहा तीन बार जाने के लिए कहा तीनों बार नकार दिया तो कह दिया 10 अवतार के अलग कारण है ये जो 3 प्रमुख अवतार है उसके अलग कारण है तो 3 बार नहीं कहते बोले तुम गधे तुम जाओ 3 बार तुम मनुष्य पृथ्वी में जाके मनुष्य योनि में लटको 3ों बार तुम जाओ जब होगे तब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे आएगा हम कौन है और कैसे तो फिर नारायण ने जब ये बात सुनी तो वो आए अनुनय विनय किया कि इनको मत दोषा ये मेरे सेवक है ये मेरे प्रिय है मेरा मेरे स्वामी के नाते मेरा मेरी जिम्मेदारी है इन पर कोई बुरा ना बीते आई एम अकाउंटेबल आई एम रिस्पॉन्सिबल वो स्लेव ड्राइवर नहीं थे नारायण एंटर से बोर्ड नहीं थे काम करने के लिए उल्टा करते थे कि इनकी भलाई मेरी जिम्मेदारी कहते इनको अगर तुम साप दोगे तो मेरे साथ मेरे द्वारा अन्याय होगा सो लेट मी हैंडल दैट इफ यू प्लीज अलाउ मी अलग अलग बातें इसके साथ ही जुड़ा 10 अध्याय वाली भी कथा है तो दे थोड़ा कहे तो राम अवतार कृष्ण अवतार ना जो दोनों क्या हुए रावण और कुंभकर्ण बन के आए तो राम फिर उन्होंने दिया था अभिशाप दिया उस शाप दिया कि ठीक है तुम मनुष्य रूप में पृथ्वी पर तो जाओगे लेकिन ये तुम्हारे प्रभु उधर आएंगे तुम्हारी छुट्टी कराएंगे उधर भी तुमको इनकी प्राप्ति होगी तो राम जी गए रावण कुंभकर्ण के लिए शिशुपाल और दंतवक्र के लिए कृष्ण भगवान गए थे और उस दोनों के पहले जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के 2 भाई थे राक्षस वही जय विजय थे शाप के कारण एक हिरण्याक्ष हुआ और दूसरा हिरण्यकश्यप हुआ उनकी ये मत वराह अवतार ने हिरण्याक्ष की छुट्टी करी और नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप की छुट्टी करी फिर से दूसरा जन्म लेना पड़ा दो तीन शाप मिले थे फिर आगे रावण बने और कुंभकर्ण बने तो राम जी ने आकर के दोनों की छुट्टी करी राम ने कुंभकर्ण को मारा था और राम ने रावण को भी मारा था फिर तीसरा शाप पूरा करने के लिए शिशुपाल दंत वक्र बन के आए तो कंस तो वो याद होगी शिशुपाल की कथा पता होगी किसी दिन कहेंगे 100 बार गाली दिया तो फिर कृष्ण ने उसकी छुट्टी करा दी ऐसे ही कंस की छुट्टी हो गई तो तीनों शाप छुट्टी उधर जा चल गए फिर से वापस वैकुंठ में तो उनमें से जो हिरण्यकश्यप था उसका बेटा प्रहलाद दैत्य कुल में जन्मा लेकिन ये बचपन कयाधु उसकी माता दैत्य पत्नी
हिरण्यकश्यप की पत्नी, उसका मन दैत्य समान नहीं था। ये हिरण्यकश्यप बड़ा गर्वशाली, इसका चाचा, बड़ा चाचा, तो वो हिरण्याक्ष वो सब सब पर काबू कर दिया था, पृथ्वी को भी डुबो के रख दिया था जल में, अंडर वाटर, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, पृथ्वी मरने को आ गई। अर्थ बिकेम वेरी सिक, अर्थ मदर अर्थ बिकेम वेरी इल अंडर हिज रिजीम। तो फिर वराह अवतार जो हुआ था उसको लिटरली उसको लिफ्ट अप करना पड़ा, निकालना पड़ा, सब क्लियर करना पड़ा उसको, जो भी लेयर होंगे, ओजोन लेयर, ऊंचे ऊपर ग्रीन हाउस गैसेस, सबसे निकाल के अलग से रख दिया। फिर से वसुदेव ने, उस तब से उसके वसुंधरा, वसु ने जिस धरा पकड़ के रखा ऊपर, पति जैसे धारण किया उसका, और हिरण्याक्ष को मार के छुट्टी करा दी। तो फिर उसका छोटा भाई राजा बन गया, हिरण्यकश्यपु। हिरण्य में गोल्ड गोल्डन बॉयज, द गोल्डन बॉयज, द प्रिविलेज्ड वंस, द जो सुप्रेमिसिस्ट, द डोमिनेंट वंस, हिरण्य, द सुपेरियर वंस। तो ये बोले अब बस बदला लेके रहूंगा बड़े भाई का, सब और अपने फैला दिया, मैं ही भगवान हूं, कोई नारायण वो विष्णु विष्णु कुछ नहीं है। जो विष्णु की पूजा करे उसकी गर्दन काट दे, मंदिर बंदवा गिरवा दिए, ब्राह्मणों को जल में डाल दिया, सब ने पूजा करना बंद कर दिया। लेकिन कयाधु का मन नहीं करता था, उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी, उसके मन में भगवान के विषय में आस्था थी। नारद मुनि आकर कर उसको नारायण की बातें सुना देते, उसके पेट में बैठा बच्चा प्रहलाद सुनता था, तब से उसके मन में भी आस्था। कहते संस्कार होते हैं, जन्म संस्कार होते हैं, पेट में जो बच्चा होता है उसको जो सुने उसके का द काइंड ऑफ म्यूजिक यू लिसन द मदर हियर्स व्हेन द एम्ब्रियो is in this in the womb, it affects the kind of food you eat. डोवाले लगते हैं, तीखा खाते हैं, खट्टा खाते हैं, the kind of वातावरण, जो घरेलू झगड़ालू वातावरण, वो सब का असर पड़ता है एम्ब्रियो पर। ऐसी कथाएं बातें भगवान के विषय में सुनी नारद मुनि ने, भजन ये सब सब उसके मन पर, वो जन्म थी भगवान में आस्था हो गई, वो विष्णु को ही भगवान मानने लगे। तो ये कथा सबको पता है। तो अलग अलग पर बहुत प्रकार से हिरण्यकश्यपु ने उसको पटाने का प्रयास किया, बड़ी पनिशमेंट करी, ग्राउंडेड किया, मार धोड़ करी, डर दिखाया, क्या नहीं कि ब्रेन वॉश करने का प्रयत्न किया। वो जो दैत्य गुरु द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य नहीं, दैत्य गुरु जो थे, उनके जो दो बेटे थे उनको इसका गुरु बना दिया प्रहलाद का, कि इसको ब्रेन वॉश करने को लगा दिया। शुक्राचार्य के दो बेटों को उन्होंने ब्रेन वॉश भी कर दिया, तो वो नहीं ब्रेन वॉश हो पाया। उसके साथ जो पढ़ते थे उनको इसने ब्रेन वॉश किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, आदमी कभी भगवान नहीं हो सकता, भगवान भगवान की जगह है, भगवान को मानना चाहिए। वो बच्चे भी भजन करने लग गए, तो और बात बौखला गया हिरण्यकश्यपु। ऐसे करते करते इतना एजिटेटेड हो गया, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया, एकदम दिमाग खराब हो गया उसका। एक बार अपने आप राज्यसभा में प्रहलाद भी बैठा था उसका राजकुमार, वो फिर से बोले ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, उसका मंत्र था। ध्रुव की कथा अलग है, ध्रुव नारद उसका ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाहरि मंत्र, प्रहलाद का मंत्र था ओम नमो नारायणाय, वासुदेव और नारायण ही है। तो वो चुप बैठ नहीं, खाली बैठ क्यों, वो बनने सब और नारायण उसका मैं, तो क्या ये खंबे में भी है, पत्थर के खंबे में भी है? हाँ पत्थर के खंबे में भी है, तो अभी बता था तेरा, पत्थर से लात मारी, धड़ाक से खंबा टूट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, हाफ लायन हाफ मैन, नरसिंह भगवान की जय हो। तो और फिर वो उसने जो तपस्या करी थी हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था, इससे न मरो, उससे न मरो, इस समय न मरो, उस समय न मरो, इधर न मरो, उधर न मरो, ऐसा न मरो, वैसा न मरो, पहले कहा था मरु ही नहीं ऐसा वचन दे, ब्रह्मा जी ने हंस दिया था उस समय जब इसने वरदान माना तपस्या के बाद, मरु ही नहीं। तो ब्रह्मा जी बोले अबे मेरे को ही मरना पड़ता है। ब्रह्मा जी बोले मैं मरता नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं भी मरता हूं, तो मैं तेरे को कैसे अमर बनाऊ, ये मरना छोड़ के तू कुछ भी मांग मैं देता हूं। तो कहा ठीक है मरना नहीं, तो फिर अपनी बड़ी अकल लगाई आइडिया से दोनों बहनी मिलकर, तो
तो उससे भी नरसिंह भगवान ने, ना दिन है ना रात है, संध्या के समय है, ना अंदर है ना बाहर है, उम्बरठे पे बैठ गए, ना जमीन पे है ना आसमान में, अपनी मांडी अपनी अपनी थाए पे बिठा दिया उसको, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, अपने नाखूनों से फाड़ा उसको, ऐसे अलग अलग, न मानव से न दानव से, न किसी प्राणी से, ये न न मानव है या दानव है, तो अभी तो किसी ने देखा नहीं था, आधा आदमी आधा शेर, ऐसे प्रकार के उसमें से भी छुट्टी करा दी उसकी। तो और फिर प्रहलाद को राज्य स्थापित किया भक्त को, वो बड़े सुंदर कथा है, उसके बाद में भी फिर क्या क्या प्रहलाद ने क्या कहा, कैसा कहा ये वो। तो इसलिए कहा कि दैत्यों में भी अच्छाई होती है, बुरों में भी अच्छाई होती है। दैत्य था लेकिन उसमें उसके कुल में प्रहलाद जन्मा, जिसको इजीली मानते, आसानी से मानते सबसे बड़ा भगत, प्रहलाद समान भक्त नहीं हुआ ऐसा मानते हैं, तो किस कोई उसको चैलेंज नहीं करेगा प्रहलाद की भक्ति को। लेकिन वो हुआ तो सबसे कुचीन में, एकदम थर्ड क्लास का, थर्ड क्लास कुल में जन्म हुआ दैत्य में। लेकिन उधर भी जन्मा कमल कीचड़ में, कमल जन्मा, कमल कीचड़ में आता है और अलिप्त रहता है, कीचड़ से फर्क नहीं पड़ता, अपने सौंदर्य में अपने फ्रेग्रेंस में वो स्थित होता है। तो ऐसे हम रह सकते हैं, ऐसे हमें रहना चाहिए, अनअफेक्टेड अनटेंटेड होमियोस्टेटिस इक्विलिब्रियम। सो देन विल स्टॉप हियर। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूं। तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। तो अगले बार हम यहां से शुरू करेंगे 31। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, मछलियों में मगर और नदियों में मैं भागीरथी गंगा जी हूँ। सो वी विल पिक अप नेक्स्ट टाइम एट 31। नाउ वी विल स्टॉप हियर। थोड़ी देर ध्यान करते हैं, फिर ध्यान के बाद हम वी विल शेयर आवर रिएक्शंस विद ईच अदर भगवत चर्चा में। वी हैव टुडे अ न्यू गेस्ट, न्यू पार्टिसिपेंट सुरेन जी, उन्हें भी उत्कंठा है भगवत चर्चा में, तो आई विल वेलकम ऑल ऑफ यू देन वंस आफ्टर ध्यान। सो लेट मी स्टॉप हियर।